चित्तौड़गढ़ दुर्ग रोड पर लोपकों का आतंक जारी। आए दिन देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ भी करते हैं मारपीट और गाली गलौज और चौथ वसूली। आज कार पार्किंग को लेकर एक पत्रकार को भी बनाया निशाना, किया जानलेवा हमला। पत्रकार को आई गंभीर चोटें, उपचार जारी। आए दिन देशी विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट कर लूटना एक आम बात हो गई है, लेकिन अब तो लपका गिरोह के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक पत्रकार पर लगभग एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस पत्रकार दुर्गेश लक्षकार का मोबाइल लूट लिया। LIC के लोगों ने बीच बचाव कर घायल पत्रकार को चिकित्सा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मैं आज भारतीय जीवन बीमा निगम में, भारतीय जीवन बीमा निगम के जो श्यामलाल मेनारिया जी है, उनका फ़ोन आया था कि एक कार्यक्रम है LIC ऑफिस में, तो आपको कवरेज करने आना है पत्रकारों को। तो मैं भी वहाँ मौके पे कवरेज करने गया था। वहाँ पे कवरेज करने के लिए गया था। गाड़ी वहाँ LIC ऑफिस के मेरे बाई और जो वहाँ पे मैंने खड़ी करी, और खड़ी करने के दौरान वहाँ पे जो मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था, कवरेज करने के बाद में वहाँ पे दो तीन लोग थे, उन्होंने गाड़ी को पार्क करने से मना किया और गाली गलौज करते हुए लड़ाई झगड़ा भी उतारू हो गए वो। ठीक है, मेरे साथी भी, मेरे जो सीनियर रिपोर्टर हैं पंकज जी तिवारी, उनके साथ भी धक्का मुक्की गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और मैंने वहाँ पे उसकी क्लिपिंग कवरेज करने की कोशिश करी, तो मेरे साथ धक्का मुक्की करके, और उस आदमी ने जो दो तीन लोग मौजूद थे उन्होंने फ़ोन करके लपकों को 20-25 लोगों को बुलाया उन्होंने, और वहाँ पे आके और मेरे साथ में लात घुसो फेंटा से मतलब जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे दोनों कानों की तरफ चोटें आई है, पैरों को यहाँ पे चोटें आई है, और मुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आया हूँ अपना इलाज करवाने के लिए, और मुकदमा जो है मैंने कोतवाली थाने में दर्ज करवाया है।